होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45-45-45-45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनुरागी धाम पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मीडिया से बातचीत के केंद्र पर बोला हमला, कहा देश में खाई बनाने का काम कर रही बीजेपी। शिवराज कैबिनेट के लिए कई अहम फैसले, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रदेश में मनाया जाएगा विकास पर्व। इंदौर में हत्या के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, आरोपियों के घर को किया गया ध्वस्त, अवैध मकान को किया गया जमीन दो। श्योपुर में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम, शराब ठेका खोलने से परेशान है ग्रामीण, शराब ठेके को बंद कराने की मांग। और धमतरी में बेकाबू होकर खेत में गिरे बाइक सवार, कैमरे में कैद हुआ सड़क हादसा, बाइक लहराने का बना रहे थे वीडियो। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल अनुरागी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता देश में खाई बनाने का काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुरु हमेशा सबको मार्गदर्शन देते हैं, समस्याओं को समझते हैं, तो सबको लड़ाने पर विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा। वहीं सीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता है, यहां की समस्याओं के बारे में नहीं पता है, वह रेवड़ी के बारे में बोल कर गए हैं। हमेशा सबको मार्गदर्शन देते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। यदि लोगों के बीच में वैमनस्यता है, वैर भाव है, उसे दूर करने का काम होता है भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता, तो देश में खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में कैसे विश्व गुरु बनाया जाएगा। कल आम आदमी पार्टी की एक सफल रैली हुई है, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ चुनाव में? बहुत, उसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं, पिछले समय भी आए थे, खूब तैयारी किए थे, लेकिन रिजल्ट क्या है देख लीजिए। तो जिन लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं है, उसकी समस्याओं के बारे में पता नहीं है, वो छह रेवड़ी के बारे में बोल के गए हैं, तो छत्तीसगढ़ उतना ही नहीं है। दिल्ली की अपनी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारा पैसा वहाँ जाता है, सारी सुविधाएं वहाँ होती है, दिल्ली की अपनी समस्या है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपनी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अपनी परिस्थितियाँ हैं। शिवराज कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश में देशभर में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 10 नए महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इन कॉलेजों में 589 पद स्वीकृत करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी गई है। धार जिले में बरखेड़ा माध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है, जिसकी लागत लगभग 478 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि इससे 15 जहार 31 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर भी सुलझाया गया। कमाओ योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी करने वाले हैं। ये ऐसी योजना है जो युवाओं में आत्मबल देगी, संबल देगी, हिम्मत देगी, रोजगार देगी और सीख के कमाने का एक हुनर भी उनके हाथ में आएगा और हमारा नौजवान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आज जो प्रदेश के अंदर अनूठा अभिनव नवाचार प्रयोग हो रहा है, उसी को कमाओ योजना का है। आज कैबिनेट की अनौपचारिक चर्चा में भी 16 जुलाई से 14 अगस्त तक जो विकास पर्व मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है,
उसके लिए भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। नौजवानों की ही बात करें तो 10 नए महाविद्यालय खोलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव आज मंजूर किया है। 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने का और 589 पद इसके लिए स्वीकृत किए जाने का आज कैबिनेट ने तय। सरायपाली में है तैयार हम स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी का विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक किस्मतलाल नंद के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी प्रशिक्षण शिविर से खुद को अलग रखते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने प्रशिक्षण में जाकर अपनी उपस्थिति देने के तुरंत बाद ही वह वापस लौट गए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि वे और उनके लोग पार्टी के हर काम में सहयोग करने को है, लेकिन स्थानीय विधायक के कार्यक्रम में सहयोग नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ऐसे में आज कार्यकर्ताओं और सभी कार्यकर्ताओं को आज मजबूती दिलाने के लिए जीवन 2023 में कैसे हमारी सरकार कैसे करें उसकी मजबूती देने के लिए आज प्रशिक्षण प्रदान है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें कुछ लोग नाराज भी थे, उसको हम लोग मना रहे हैं वो आए थे। एक तो ऐसा था कि यहाँ पे जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा भीड़ लगा और इसके वजह से कुछ लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो ऐसा नहीं है। अब खबर इंदौर से है, जहां जानलेवा हमला और हत्या के आरोपियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेत्री पर ब्लेड से हमला करने वाले लिस्टेड बदमाश भीम यादव के अवैध मकान को जबरदस्त किया गया है। आरोपी भीम यादव पर बीजेपी नेत्री पर हमला सहित मारपीट, अवैध वसूली, हत्या का प्रयास और अन्य 16 मामले दर्ज हैं। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं अन्य एक हत्या के आरोपी के घर पर भी सरकारी बुलडोजर चला। पृष्ठभूमि के जो लोग हैं और जो सतत रूप से अपराध में लिप्त हैं उनके विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई सुचारू रूप से जारी है और इसी क्रम में 2 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किए गए थे और उस पर निर्माण कार्य किया गया था उनको नगर निगम ने वैधानिक रूप से उसको ध्वस्त किया और पुलिस की उपस्थिति में अवैध निर्माण कार्यों को डिमोलिश किया गया। सर कौन थे आरोपी, क्या बैकग्राउंड है सर? ये आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, एक खजराना में है और एक हीरा नगर में है और इनके द्वारा सतत रूप से अपराध में संलिप्त रहे हैं और इसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। खबर श्योपुर से है, जहां शहर के वार्ड नंबर 10 के निवासियों ने श्योपुर सवाई माधोपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीण वार्ड नंबर 10 में शासकीय जमीन पर शराब की दुकान खोलने से परेशान है। लोगों का कहना है कि शराब की दुकान यहां पर संचालित होने से गांव के महिलाओं को आने जाने में बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया पर प्रशासन छोटी मोटी कार्रवाई करके उसे छोड़ देता है और शराब दुकान संचालक बेखौफ होकर दुकान चला रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर शराब दुकान हटाने की मांग की। वार्ड में शराब की बॉडी अवैध जगह पे लगी हुई है। यह नाला था, नाला का निर्माण मैंने करवाया था। ये नाला नीचे है, इसको बंद करके और ये जो मस्जिद का रास्ता है, 10 वार्ड का रास्ता है, बगल से मंदिर है और यहाँ शराब का भयंकर अड्डा चलता है। शराब पी के लोग बाग गुंडागिर्दी करते, पेशाब करते, हमारी बहन बेटियाँ होती है महिला की, उनको परेशानी है। तो ये कई बार हम कलेक्टर को बस्ती वाले आवेदन दिया है, आश्वासन दिया हटाएंगे, तहसीलदार को दिया हटाएंगे। आज मजबूर होके महिलाओं के साथ मैंने चक्का जाम किया और इस बॉडियों को भी यहाँ से हटाइए। एक दारू पी के गाड़ी रात दिन सड़कों में डोलते, कौन जिम्मेवार है इसका?
हमारी इज्जत का कौन ख्याल रखेगा? जब आप नहीं रखोगे तो कौन करेगा? खड़े होके तुम हमारी इज्जत के दाग लगाना चाहते हो के है? मर जाएंगे, मार देंगे, ठेका उठाओ, रास्ता छुड़वाओ है? इतना ही पेट भूखा मर गया के सरकार उसी के लिए ही आई है, अकेले के लिए के, और के लिए नहीं आई, और के किसी के बच्चे नहीं है। ढक के देखो, डेढ़ महीना हो गया, दो महीने हो गया रोता, किसी ने सुनाई नहीं करी। वार्ड नंबर 10 के ग्राम लोगों ने शराब ठेके को लेकर सलापुरा पे जाम लगा दिया था। इस पर से मौके पर पहुंचकर पब्लिक को आश्वासन दिया कि ये ठेके को आज ही हटवाया जाएगा। उसी तारतम्य में आबकारी उपनिरीक्षक को बुलाकर और ये ठेके को यहाँ से हटाया जा रहा है और जाम को खुलवा दिया गया है। मुंगेली के ओशो पिरामिड ध्यान आश्रम मदनपुर में 5 दिवसीय ओशो ध्यान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश भर से उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा से ध्यान साधक साधना के लिए उपस्थित हुए और मुंबई से आए हुए संचालक स्वामी ज्ञान अविनाश के द्वारा ध्यान साधने के विभिन्न प्रयोग सभी साधकों को कराए गए। साथ ही पूरे भारतवर्ष से और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से 30 साधक ध्यान प्रयोग किए गए। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने आई हूँ मैं आपके आश्रम में। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे बेहतरीन लगा, जो सभी आश्रम से अलग हटके है, यहाँ सुबह जो आपकी कीर्तन मंडली है जो पूरे गांव का भ्रमण करके आती है और यहाँ मतलब भिगो देती है भजन में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अलग, सबसे प्यारा। हम प्रतिदिन सुबह में डूब जाते हैं। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, वो मनाने के लिए हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, जो एनर्जी का प्रभाव है वहाँ, यहाँ पे मैं खुद बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। सबके साथ प्रेम भी मुझे अच्छी तरह से मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ इधर। पिरामिड एक विशेष ज्यामिति आकृति होती है और पिरामिड की जो संरचना है वो संरचना में वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो 3 गुना मिलती है। इसलिए यदि हम सामान्य जगह पर यदि ध्यान करते हैं उसकी तुलना में पिरामिड पर यदि ध्यान करते हैं अंदर में बैठ के, तो 3 गुना ज़्यादा गहराई आती है ध्यान की। तो मदनपुर का जो पिरामिड आश्रम है ये मुंगेली जिले में स्थित है, मुंगेली शहर से 14 किलोमीटर दूर मदनपुर में ओशो पिरामिड ध्यान आश्रम है। तो अभी वर्तमान में स्वामी ज्ञान अविनाश जी मुंबई से हैं, उनका शिविर यहाँ संचालित हो रहा है और लगभग अलग अलग प्रांतों से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आए, अगले साल आए थे तब भी हमें बहुत ही ज्यादा प्रेम मिला और इस बार भी आने का मन बहुत दिनों से कर रहा था। ये अगले साल की तरह यहाँ अभी भी गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम यहाँ आ गए। कैसा लगा इस बार? आनंद का तो पूछो ही मत, हमारे पास लफ्ज नहीं है। ओशो पिरामिड ध्यान केंद्र ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र ध्यान केंद्र है जहाँ पे इतना बड़ा पिरामिड है। ये रायपुर से करीब 110 किलोमीटर और बिलासपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित है, मुंगेली से पंडरिया रोड पर, मुंगेली से करीब 13 किलोमीटर दूरी पर। ओशो पिरामिड आश्रम में हर 2 महीने में ध्यान शिविर आयोजित होता है और पूरे देश भर से साधक यहाँ आते हैं और ध्यान करते हैं। और ये पिरामिड ऐसा है कि ध्यान तो वैसे घर पे हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक शांति के लिए और इस भागदौड़ की दुनिया में अभी ध्यान की जरूरत है सबको, तो घर में सबको तो करते ही हैं। लेकिन पिरामिड में हम ध्यान करते हैं तो ये बहुत तेज गति से ध्यान लगता है, इसलिए पिरामिड में ध्यान करना पसंद करते हैं। लास्ट टाइम आया था गुरु पूर्णिमा के लिए स्वामी ज्ञान अविनाश के साथ, इतना अच्छा लगा, उसकी एनर्जी भी एकदम पावरफुल है या और यहाँ पिरामिड की एनर्जी भी फुल पावरफुल है और पिरामिड में ध्यान करने का कुछ अलग ही है जो हम लोग घर पे नहीं कर सकते, यहाँ इतना पिरामिड का प्रभाव है यहाँ पर और अच्छा फील होता है। सबके साथ खुशी है, प्रेम है और बहुत ही खुशी होती है मेरे को गुरु के साथ रहने के लिए कि इतना हम लोग को ऐसा गुरु भी मिला।
इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे सज्जन कुशवाहा के बंगले को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि उनके बंगले पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सज्जन कुशवाहा अपने साले को छोड़ने अपने ससुराल गए हुए थे और उसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने बंगले के ताले को तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं जिसमें 3 संदिग्ध युवक नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इन टीमों ने संदिग्ध युवकों की तलाश भी शुरू कर दी है। जिन कुशवाहा जी का मकान है तो ये भी 2 दिन पहले कहीं गए थे पूरे परिवार सहित बाहर। पूरा मकान सुना था तो रात्रि में कोई बदमाश जो है उसमें 2 लड़के घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में। वो घुसे हैं और करीब 1/2 घंटे रुकने के बाद निकले हैं। तो इनके द्वारा उनके घर में घुसकर चोरी की है। प्रकरण पंजीबद्ध है और अभी फुटेज के आधार पर हम तलाश कर रहे हैं। लगभग कितने का माल हो बताया? 10 लाख रुपये नकदी, 1/2 किलो सोना है। अभी इस संबंध में और भी उनने कहा कि जानकारी पेश करेंगे, अभी निश्चित नहीं हुआ। प्रारंभिक रूप से उनने 4-5 लाख रुपये का माल जाना बताया है और ये भी जानकारी मिली अनुसंधान में कि सिर्फ एक ही उसके पार्टीशन में घुस पाए थे जहां पर और भी सामान रखा था वहां तक। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर से हत्या का मामला सामने आया है जहां युवक को उसके 2 दोस्तों ने घर से बुलाकर ले गए और सिर पर बैट से वार कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि विजयनगर थाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर धमतरी से है जहां से नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है जहां बाइक सवार बेकाबू होकर खेत में जा गिरा जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार चालक लहराते हुए वीडियो बना रहा था जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। कोतरा रोड थाना अंतर्गत ग्राम कोतरा में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने फीता काटकर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, आईपीएस प्रशिक्षु उदित पुष्कर, एसडीओपी निकिता तिवारी खरसिया, एसडीओपी नमिषा तिवारी और भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। आपको बता दें कि क्षेत्रवासी पुलिस सहायता केंद्र खुलवाने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थे और आज पुलिस सहायता केंद्र खुलने से ग्रामवासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं काफी दिनों से पहले जब हमारे शहीद नंद कुमार पटेल जी थे उस समय से यहाँ मांग हो रही थी, वो आज पुलिस विभाग की ओर से यहाँ सहायता कदम होते हैं उसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह क्षेत्र तो शांतिपूर्वक है लेकिन यहाँ की आना जाना ट्रक की इतनी ज़्यादा आना जाना होती है जिसमें कई प्रकार की दुर्घटना होती है उसके लिए भी ये सहायता केंद्र खुलने से एक सुविधा बनी रहेगी और जनता सुरक्षित रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि यह सहायता केंद्र खुलने के बाद यहाँ अपराध की बहुत कमी होगी और किसी प्रकार की शिकायत ना हो यही कामना करते हैं और आशा करते हैं कि इसमें पुलिस विभाग ने जो इस कार्रवाई को किए हैं उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। काफी बात में क्या हमारे तालाब से वहाँ कराते रहते हैं तो वहाँ के रास्ते में वो गंदा पानी दे देते हैं तो उसमें कई लोग गिर गए तो उनको मना करने पर भी वो लोग पानी बंद नहीं करते तो उसको यहाँ शिकायत किए हैं कि उसको पानी थोड़ा सा बंद करवाए। रास्ता में पानी आया? हाँ ओला अभी सब दिन अभी तो दौरा में निकलेंगे तो करवाएंगे। आज जो लंबी मांग चली आ रही थी कोतरा रोड थाना के अंतर्गत कोतरा क्षेत्र में शामिल करके उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई उसका आज शुभारंभ किया गया है। निश्चित रूप से कोतरा और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लिए यह एक सहायता प्रदान करेगा और लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम सफल होंगे। यहाँ की जनता की मांग को देखते हुए शासक की मंत्रा के अनुरूप ग्राम कोतरा में कोतरा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र की बहुत दिनों से मांग चल रही है तो उसको आज मूल रूप दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस और जनता के बीच इन गाँव को लेकर के या यहाँ क्षेत्र को लेकर के वो इससे कम होगा। हरियादी अपनी हर किस्म की समस्या को लेकर यहाँ पर आ सकेंगे और अपनी बात को बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर रख पाएंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ हमने आज यहाँ पर ओपन किया हुआ है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल जी थे, पूरा पुलिस महकमा था और यहाँ के आम ग्रामीण सरपंच सभी लोग उपस्थित थे।
खबर बकावंड से है, जहां 12 सालों के बाद भी छात्रों को स्नातकोत्तर में पढ़ाई के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। हालांकि विद्यार्थी कई बार क्षेत्रीय विधायक से भी मांग कर चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। कॉलेज खुले तकरीबन 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। हमें पीजी कक्षा के लिए, स्नातकोत्तर के लिए हमारे बकावंड से तकरीबन 25-30 किलोमीटर जगदलपुर जाना पड़ता है। सर, यहाँ पे बकावंड से ही नहीं, तकरीबन बकावंड ब्लॉक के आसपास के सभी क्षेत्रों से, अंदरूनी इलाकों से, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, और आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी बच्चे, सभी इस क्षेत्र के बच्चे आते हैं। और जगदलपुर में बिल्कुल न्यूनतम सीट होती है। बाकी कक्षा जो विद्यार्थी हैं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बकावंड महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं, MSc, MA ये सब ना होने की वजह से, कई आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई वहीं रोक देते हैं। लेकिन उनकी जो आकांक्षाएं होती है, माता पिता की जो सपने होते हैं, वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इन सब समस्याओं की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर, आगे का तो, अगर आगे की पढ़ाई करना चाहूंगी तो मुझे जगदलपुर ही जाना पड़ेगा सर। अच्छा, जो कि हाँ, यहाँ तो सर बहुत बार बस्तर विधायक लागेश्वर बघेल जी को 3-4 बार स्टूडेंट वो ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ MSc खुलवा दे करके, लेकिन उसका कोई फैसला नजर नहीं आ रहा है सर। नहीं तो आप लोग जब ज्ञापन सौंपते थे तो क्या बोलते थे लागेश्वर बघेल जी? तो अभी सर 2023 में सर एनुअल हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज बकावंड में, तब विधायक जी आए थे, तब उनको बोले थे कि यहाँ MSc चाहिए करके, तो बोले थे इसी सत्र से स्टार्ट हो जाएगा करके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया सर अभी तक। अब खबर बहर से है, जहां दूलापुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि इस गांव में अधिकतर हैंडपंप बंद पड़े हैं, इस कारण ग्रामवासी लंबी दूरी तय कर पानी लाने के लिए मजबूर हैं, और बहुत से हैंडपंप पर मटमैला पानी, लाल पानी निकल रहा है, जो कि पीने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस बारे में कई बार ग्रामीण जनों ने PHE विभाग को भी सूचित किया, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी से अवगत कराने के बावजूद भी गांव में पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। यहाँ पे पूरा 6 हैंडपंप है, 6 हैंडपंप में 3 बंद पड़ चुके हैं, और 3 हैंडपंप चालू है तो उसमें भी खराब पानी आ रहा है, और बहुत दूर से पानी ले जा रहे हैं हम लोग। बहुत समस्या यहाँ पे पानी का, सबसे ज्यादा समस्या है। प्रशासन तो भाई, तो दमो 2 बार तक ही है, उसको भी लेटर लिख के दिया, संजय विक्की को 2 बार तक के लेटर लिख के दिया हूँ प्रशासन को, कि ये जल्दी से जल्दी हमारा मांग हो जाए पूरा, और पानी की समस्या जल्दी ही अपने हो जाए करके, लेकिन कोई आज तक के प्रशासन अपना काम सुना नहीं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत दुल्हापुर के ग्राम राशि मेगा में, यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर हैंडपंप तो है, लेकिन आधे ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ के ग्रामवासी दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर जो हैंडपंप चालू है उसमें मैला पानी निकल रहा है, लाल पानी निकल रहा हुआ है। ये हैंडपंप कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी यहाँ के ग्रामवासी PHE विभाग को देने के बाद भी यहाँ पर हैंडपंप का सुधार नहीं किया जाता, और यहाँ पर पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। यहाँ पर ये हैंडपंप कब से बंद है? 3 महीने से बंद है। इसकी जानकारी आप लोगों ने दिए? पानी कहाँ से लाना पड़ता है आपको? दूर से। दूर से लाना पड़ता है पानी, 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर से। यहाँ के ग्रामवासी प्रशासन से गुहार लगा रही है कि यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाए। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुसाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। खबर छोटे डोंगर से है, जहां नयापारा में अमदय माइंस में चलने वाले वाहनों में अचानक से आग लग गई, जिससे 2 ट्रक और 1 पिकअप वाहन जलकर खाक हो गए। आगजनी की घटना को देखकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने का काम किया, समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। मैं आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों के द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। तो
तो आपको बता दें कि लगातार जो है ये एक बेहद ही चौंकाने वाली जो घटना है कि अचानक से खुद ही वाहनों में जो है आग लगने की खबरें आ रही हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अमदेही माइंस के चलते वाहनों में अचानक से आग लग गई, जिसमें कि दो ट्रक और एक पिकअप वाहन जलकर खाक हो गए। ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है कि अचानक से खड़े वाहनों में आग किस कारण से लग पा रही है, और जो कि जांच का भी विषय है। वहीं आपको बता दें कि समय रहते आग पर तो काबू पा लिया गया है, वहीं इस हादसे में किसी तरह की जनहानि भी नहीं बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों के द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है। हो सकता है कि नक्सलियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो। अब यह तो सोच देखने वाली बात होगी जो कि जांच में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। एक इरादों के साथ वादा निभा रही